हाय गाइस, मैं हूं सौंदर्य शर्मा और आप देख रहे हैं टेलीफिल्म्स। जी सी यू सौंदर्य, एंड जानना चाहूंगी आज तो आप बहुत ही बेहतरीन लग रही है और आपका सॉन्ग मैंने देखा मस्त, बरसात बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको एज एन ऑडियंस गाना पसंद आया। हमने बहुत मेहनत की है और ये बहुत अच्छा मतलब रहा कि जब मैंने ऑडिशंस दिए, साजिद सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि मुझे कोई चाहिए जो बहुत अच्छी परफॉर्मर हो, क्योंकि गाना लड़की के ऊपर आधारित है और हाई ऑन इमोशंस है। अगर वो कनेक्ट कर पाएगा तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बिना बोले दिल को छू जाए। अगर आप देखें तो सिर्फ इमोशंस का ही है, तो मैं डर गई कि मैं क्या ऐसा करूं, बिकॉज़ इट्स नॉट अ मूवी और अ वेब सीरीज़। बट और आजकल जो चलन है म्यूज़िक वीडियोस का, वो है डांस नंबर्स का, और उसका वो भी बहुत अच्छा है। बट ऐसे गाने विद हैप्पी एंडिंग नॉर्मली नहीं होते हैं, और सब में बहुत ज़्यादा या तो सैडनेस होती है, हार्ट ब्रेक होता है। तो फॉर अ ब्रेक ये डिफरेंट था, लाइवली गाना था कि मस्त बरसात याद आती है। तो आई वॉज हैप्पी दैट ही रियली लव माई परफॉर्मेंस, एंड वैन ही सॉ माई प्रोफाइल कि अच्छा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से मतलब कहाँ कहाँ से पढ़ के आई है लड़की एक्टिंग, तो ही वॉज कन्विंस आफ्टर माई ऑडिशन। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दे हुज हु वर देयर, ही जस्ट डिडंट वॉन्ट एनी प्रिटी गर्ल। तो मैंने बोला हाँ सर डेफिनेटली, एंड दैट इज़ अनदर थिंग कि हम लोग करेंगे इसको, क्यों नहीं करेंगे। सलमान के साथ आप कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। सलमान और सौंदर्य की जो केमिस्ट्री है, जो जी आया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जिस तरह से आपका कवर पेज है और माइंड ब्लोइंग वीडियो में आप दोनों दिख रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सलमान प्रोफेशनल है, प्रिसाइज है, और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए नए थे। हम दोनों ने ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया, तो हमने नॉन स्टॉप 23 घंटा शूटिंग किया है, नॉन स्टॉप। बहुत गर्मी थी, जितना कूल गाना लग रहा है ना स्क्रीन पे वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 42 डिग्री टेम्परेचर था, बार बार पसीना टपक रहा था, और पूरी यूनिट लगी हुई थी हम लोगों की। उसके लिए चाहिए बहुत अच्छा टीम वर्क, तो टीम वर्क वाइज इट वॉज वेरी नाइस वर्किंग विद हिम। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप किस चीज को लेकर? हाँ बोलिए, मुझे तो बहुत ही ज्यादा यूनिक यूएसपी यूनिक पॉइंट में है ये लगे, जी। आप किस चीज को मतलब मद्देनजर रखते हुए इसको हाँ बोलिए? सी मैं एक एक्टर हूँ, परफॉर्मर हूँ, मुझे जहाँ भी इमोशंस मिल जाएंगे मैं वो चीज़ पकड़ लूँगी, राइट? तो मेरे लिए हाई ऑन इमोशंस होना ही अपने आप में था, और प्लस गाना इतना सोलफुल है साजिद सर, वाजिद सर का, उन्होंने दिल से गाना बनाया, उन्होंने जान डाली हुई है इसमें, तो वाई नॉट नेकी और पूछ पूछ, मतलब वाई नॉट। अब आपको इतना अच्छा लग रहा है तो मुझे एज एन एक्टर बोला जाएगा तो मैं क्यों परफॉर्म नहीं करूँगी। राइट, एंड ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने सॉन्ग को? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और सभी की तरह सभी लोग करते हैं, हमने भी बहुत मेहनत की है, गाना बहुत अच्छा है, और आई होप आप लोगों को हमारी परफॉर्मेंस, हमारा गाना, हमारी मेहनत पसंद आए। प्लीज़ प्यार दीजिए, वी नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ शावर अस विद योर लव। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू, बाय बाय।